अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से जानकारी है जहां पर बुक स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड की गई है। शिक्षा विभाग की टीम के साथ ये छापेमारी हुई है जिसमें बिना वॉटरमार्क लोगों के किताब को बेचा जा रहा था। सीएम फ्लाइंग ने किताबों को जब्त कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा फरीदाबाद में भी आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने दुकान पर छापेमारी की है। किताब की ये दुकानें हैं जहां पर बिना वॉटरमार्क बिना लोगों के ये किताब बेची जा रही थी। नकली किताब बेचने का ये पूरा मामला है जिसमें शिक्षा विभाग की टीम के साथ सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमारी की है। इसमें कुछ किताबों को जब्त किया गया है और उसके आधार पर अब पूछताछ की जा रही है। शिक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई हुई है किताब की दुकानों पर जहां पर बिना वॉटरमार्क और लोगों के ये किताबें बेची जा रही थीं। अब सीएम फ्लाइंग ने ये किताबें जब्त कर ली हैं और पूछताछ इस पूरे मामले में फिलहाल अभी विभाग के द्वारा जारी है। तो नकली किताबें बेचे जाने का मामला लगातार सामने आ रहा था। शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानों पर नकली किताबें बेची जा रही हैं और इसी शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग और शिक्षा विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और जब दुकान पर कार्रवाई की गई तो यहां पर बिना वॉटरमार्क और बिना लोगों के किताब को बरामद किया गया है। इसके आधार पर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तरफ से सूचना मिली थी कि मल्होत्रा बुक सेंटर पर एनसीईआरटी कुछ फर्जी बुक बेची जा रही है, तो उस इनको सूचना पर हम यहाँ आए और हमने बुक्स चेक की तो कुछ बुक्स में डाउट लगा है। जिन पर डाउट लगा है वो समय हमने कब्जे में ले ली हैं। तो भी जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर उनसे बात करके मंडे को जो भी वो जांच करेंगे, जो भी जांच में रिपोर्ट आएगी बता देंगे। उसमें हमें ना लोगो नहीं नज़र नहीं आया, एक वाटर लोगो, एक हॉलमार्क है, एक वाटर लोगो, वो हमें कई बुकों में नज़र नहीं आया। तो हमें डाउट हुआ उनके आधार पर कि इसमें वाटर लोगो या हॉलमार्क नहीं है। नहीं, मेरे पास तो सीएम फ्लाइंग से आई थी, आम लोगों ने शिकायत की होगी, मुझे तो नहीं पता खैर इसके बारे में, पर मेरे पास तो सूचना आई थी सीएम फ्लाइंग के साथ, तो मैं उसके सिलसिले के साथ आया हूँ और ये देखिए